अगर आज सूर्यास्त से पहले पूजा पूरी नहीं हुई तो रावण का अंत करने वाला ये धनुष इस काल में प्रकट नहीं होगा। नहीं भैया, फिर जादू का एंटीडोट तो बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ उस जादू को बेअसर करने की जादुई दवा, या फिर कोई ऐसा जिसके पास बेशुमार जादुई शक्तियां हों। एक रास्ता है, ये जो बुराई का जादू तुम पर और भारत नगर के वासियों पे हुआ है, अगर उस जादू का एक कण भी मिल जाए तो हम उस जादू को बेअसर करने वाला तोड़ बना सकते हैं। But they won't get it, because सारे magical candy floss हमने destroy कर दिए हैं, है ना ब्रिगेंस? हाँ, सब 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 destroy कर दिया है मैंने। मगर शौर्य, हमें तो ये भी नहीं पता है कि शिंगाई वालों ने कैसा और कौन सा जादू किया है हम पर। चोर कितना भी समझदार हो विवान, लेकिन हर बार कोई ना कोई सुराग वो जरूर छोड़ता है। बुराई ने भी अपने वार का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। But I guess I need to double check. तुमने सारे कैंडी फ्लॉस डिस्ट्रॉय किए, यस और नो? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, स्वामी, डिस्ट्रॉय। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो बुड्ढे के बाल वाला बैग बिना नष्ट किए ही डस्टबिन में छोड़ दिया। विज्ञानसा, अगर वो बचा हुआ कैंडी फ्लॉस बालवीर के हाथ में आ गया तो वो हमारे जादू को बेअसर करने का तोड़ बना सकते हैं। है? पर ये भी तो हो सकता है ना बम्बाल श्री, कि उन्हें हमारे जादू का पता ही ना चले। एक अंकल सब बच्चों को कैंडी फ्लॉस बांट रहे थे, बट उनको अर्जेंटली कोई काम आ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सबको बांटूं, तो मैंने बांट दिया और मुझे वो सुराग मिल गया है। शौर्य, कैसा सुराग भैया? डरपोक बुराई ने इस बार खुद नहीं बल्कि खुशी के हाथों कैंडी फ्लॉस बटवा कर अपनों से अपनों पे वार करवाया है। बालवीर, तुम तुरंत जाकर उस जादू का कण ले आओ ताकि हम जादू का तोड़ बना सकें। नो मिस्टर पी, दिस टाइम उन्हें जीतने नहीं दूंगा। उन्हें कुछ भी मिले उससे पहले मैं वो डस्टबिन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हे देवी माँ, कोई बात क्यों नहीं कर पा रहा है? अनन्या, पूजा और आरती कैसे होगी? ये मेरी आरती क्यों उतार रही है? क्या कर दिया मैंने? आप मेरी आरती क्यों उतार रही है? मैंने क्या किया? जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वही सवाल ये मुझसे पूछ रही है। ये आरती भगवान की कब करेंगे? हमेशा बोलती थी बोलो नहीं सुनो, अब बोलो बोलो बोलो, बोल के दिखाओ। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। विवान को ढूंढना ही पड़ेगा हेल्प के लिए। अरे अनन्या, कहाँ जा रही हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और ये बोल रही है कि मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। कैसे? बीस मिनट में सूरज डूबने वाला है भैया, और हमें उससे पहले पूजा को पूरा करना ही होगा। बट इतनी बड़ी जगह में कहाँ से ढूंढना शुरू करें? कूड़ेदान से। यू मीन डस्टबिन से? हाँ, क्योंकि हमें वो नहीं ढूंढना है जो सबने खा लिया है, बल्कि हमें वो ढूंढना है जो सबने छोड़ दिया है। वो रहा डस्टबिन।
लेकिन सर कहाँ है वो डस्टबिन? मुरा, मुरा कूड़ेदान जिसमें फेंका था मैंने बुड्ढी के बाल। शेम शेम रे, मतलब सेम सेम चीज ये दोनों भी ढूंढ रहे हैं। लगता है इन्हें पता चल गया कि मेरे मैजिकल कैंडी फ्लॉस का एंटीडोट कैसे क्रिएट करना है। आज वेस्ट से बेस्ट काम बन जाएगा भैया, हम क्विकली इन्हें लेकर वीर लोग जाते हैं। हाँ रे, चलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा मुंह काला, हो गया तुम्हारा खेल खत्म। अरे ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रे का गेम तब तक ओवर नहीं होता जब तक रे जीत नहीं जाता। अरे रे कुछ करो रे। It's time to return the favor, Briganza. कानून के हाथ लंबे हैं, वो मुजरिम को पकड़ लेंगे। आज तक तो सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन आज कानून गूंगा हो गया है। ये बैग सडनली जल कैसे गया? ये जला नहीं है, जलाया गया है। यू मीन हमारे आसपास कोई है जो हमारे प्लान को स्पॉइल कर रहा है? हाँ। कैंडी फ्लोस की मैजिक का अब कोई ट्रेस नहीं मिलेगा इस बैग से। और ब्रह्मचारिणी मंत्र पढ़ने के मुहूर्त को खत्म होने में बस अब 20 मिनट बचे हैं विवान। नो भैया, वी कैन नॉट लूज। अच्छाई घुटने नहीं टेक सकती। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए ताकि हम पूजा शुरू कर सके, मंत्र पढ़ सके। भैया आई थिंक हमें और डस्टबिन चेक करने चाहिए। वाह रे वाह, क्या कैच पकड़ा है तुमने बाउंड्री पे। यस ब्रिगेंजा, 99 पर बैट्समैन का आउट करने का मजा ही कुछ और होता है। तो पार्टी तो बनती है। फिलहाल तो मुझे इन्हें पेन में देखकर बहुत मजा आ रहा है, यही मेरे लिए पार्टी है।
कितना मजा आ रहा है यहाँ पे सब लोगों को ऐसे देखकर। Yes, 25 candy floss और 2 hours में mission completed। जब भी I need help, हमेशा गायब हो जाता है विवान। मुझे कुछ solution निकालना पड़ेगा इस problem का, वरना थोड़ी देर में alternate। बुराई के जादू का तोड़ बनाने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है विवान। फिक्र ना भैया, लगता है माता रानी ने रास्ता दिखा दिया है हमें। यस, ये मैंने ही फेंका था, मेल्ट हो गया था तो खाया नहीं था। पहली बार तुम्हें बिना खाना खत्म किए छोड़ने पे डांटूंगा नहीं मैं। अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी है। नो 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 नो, इस बार मैं बालवीर को बिना नहीं मरने दूंगा। बालवीर, पूरा मंत्र पढ़ने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों के पास। उस जादू का तोड़ बनाने वाला यंत्र हम यहीं लेकर आए हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है बालवीर होता है। नो पेकिंसा, अब सिर्फ वही होगा जो मंजूर रे होगा। I am trying कि आप सबको जोर से छींक आ जाए। I think छींकने की फोर्स से हमारे मुंह खुल सकते हैं। Oh God, जल्दी से मिर्ची वाला धुआं निकले जिससे हमारी छींक निकले और फिर उससे हमारी साउंड निकले। केमिस्ट्री लैब की तरह लग रहा है बालपरी, क्या हम इससे बना लेंगे एंटीडोट? हाँ विवान, इसमें हमने पहले से ही वीर-लोक के कई जादुई रसायन मिला रखे हैं। अब जैसे ही हम ये जादुई बुढ़ी के बाल इसमें डालेंगे तो इसमें बनेगा धुआं और इस धुएं के झटते ही बनेगा एक जादुई पदार्थ, और वो पदार्थ मिलते ही हम सबको ठीक कर पाएंगे। पर इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बस बालवीर, सिर्फ 10 मिनट में ये हो जाएगा।
भैया टोटल 15 मिनट से बचे हैं सनसेट होने के लिए, और सनसेट के साथ पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। विवान, अब इसमें जितना समय लगेगा उतना तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जादू का तोड़ तो हमें हर हाल में चाहिए, इसलिए सब्र रखो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि अभी तुम्हारे पास एक भी लाइफलाइन बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं, लाइफलाइन तो उन दोनों बालवीर की रेकट करेगा। 15 मिनट में बहुत कुछ चेंज हो सकता है प्रिगेंजा। मैं उन दोनों बालवीर को चैंटिंग नहीं करने दूंगा, मतलब नहीं करने दूंगा। गुड गुडी। गुदगुदी करनी एक दूसरे को, ग्रेट आइडिया। इससे तो हमें इतना लाफ्टर निकलेगा कि मुंह पक्का खुल जाएगा सबका। शायद हमें किसी गलती की सजा मिल रही है, इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे माता रानी की और अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। सनसेट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं भैया, कब बनेगा कैंडी फ्लोस का एंटीटूड? चिंता मत करो विवान, बस ये प्रक्रिया पूरी होने ही वाली है। ये अचानक अंधेरा कैसे छा गया? सूर्यास्त हो गया है। पर कैसे माँ? सूर्यास्त होने में तो अभी भी 10 मिनट बचे हैं, है ना विवान? हाँ भैया, आई चेक्ड ऑनलाइन ऑल्सो। सनसेट टाइम 10 मिनट बाद का है। तो फिर ये अंधेरा कैसे हो गया? अंधेरा मैंने किया है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है रे के लिए। अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही होती है कि वो आखिरी वक्त पर भी बाजी को पलट देता है। पर तुमने ये किया कैसे रे? अपने सुपर पावर से लेडी बिरबा, मैंने अपनी पावर से इंडिया के ऊपर जितने बादल थे वो सारे लाकर भारत नगर के ऊपर लेयर्स में बिछा दिए, ताकि भारत नगर में सन की एक रे तक ना पहुंच सके। एंड सी व्हाट हैपेंड, पूरे भारत नगर में अंधेरा छा गया। सन को मैंने छुपाया है, लेकिन बालवीर एंड कंपनी को लगेगा कि सच में सनसेट हो गया। प्लान तो काफी अच्छा है रे, पर क्या ये फुल प्रूफ है? अरे इसका प्लान फुल प्रूफ होता तो रोना ही किस बात का था। तुम कहना क्या चाहती हो बीरबा? यही बम्बाल श्री, कि अगर उन्हें पता चल गया कि सनसेट नहीं हुआ है तो? So what? वैसे भी 6 मिनट में सनसेट होने वाला है। And do you think कि इन 6 मिनट में वो दोनों बालवीर मिलकर कोई मिरेकल कर सकते हैं? रेस सही कह रहा है बिरबा,
वक्त का पहिया उनके हाथों से बाहर निकल चुका है और अब वो पूजा सही वक्त पर पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा? यानी कि अगले 6 मिनट के बाद बुराई की शक्तियां अच्छाई से एक कदम आगे होगी। आ, आ।